हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेम गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो बिल्कुल सिर पे आ चुका है, जैसे अभी कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल आपके सिर पे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आ चुका है, आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने आपके लिए जो जीके का पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड किया था, मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि आप इसका पार्ट थ्री भी लाओ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज पार्ट थ्री लेके आया हूँ। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पुलिस और एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है उसमें भी उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? दोस्तों, जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो नेक चंद ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो जम्मू है आपका ये तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था, इस वीडियो का मैं 200 लाइक का टारगेट रखता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे दुश्मन 200 लाइक पूरे कर देते तो मैं आपके लिए इसका पार्ट फोर भी लेके आऊँगा, जिसका लास्ट पार्ट रहेगा। मैं इसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? दोस्तों, जो सूची स्तंभ है पिरामिड, वो मिस्र में पाए गए हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों, जो ऊँट है आपका, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों, जो महात्मा गांधी का जन्म है वो 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? दोस्तों, जो रेल पथ के जो मीटर गेज होता है उसकी 1 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा विश्व का कौन सा देश है, और इसको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइए कि मुझे ग्रुप में ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु? दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा पशु है वो है दोस्तों जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, और ये इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर है। आप इसको याद कर दीजिए दोस्तों। अगला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ा था वो तेंजिन नोरगे था। अगला क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? दोस्तों, जो कारगिल कस्बा है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अजमेर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह को धार्मिक संप्रदान दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दोस्तों, जो आपके दीन है इलाही है वो अकबर ने शुरू की थी, और दोस्तों एक है दीन है कोही, वो की थी आपके बलबन ने शुरू। अगला है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? दोस्तों, जो मानसून हवाएं है वर्षा ऋतु की हवाएं को मानसून हवाएं कहते हैं। अगला है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में सबसे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो आपका रूस का साइबेरिया है ये सबसे अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। दोस्तों, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे
उनने विद्रोह किया था ब्रिटिश के खिलाफ। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद की स्मृति में कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया है। अगला है, माओ त्से तुंग संबंधित है चीन से। अगला है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये अमृतसर में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन लाए मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगा। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों आप ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये नारा किसने दिया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। बोधगया किस धर्म के लिए संबंधित है? दोस्तों जो बोधगया है वो बौद्ध धर्म के लिए संबंधित है। अगला है, सिख धर्म में संस्थापक कौन है? दोस्तों जो सिख धर्म है उसके संस्थापक गुरु नानक देव जी है। अगला है, भारत में सबसे पहली रेल गाड़ी जो है कब चली थी? दोस्तों ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, दोस्तों ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, मैंने ये पिछले कल बताया था दोस्तों कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, पिछले कल ये पिछले पार्ट टू मैंने आपको बताया था। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। अगला है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? दोस्तों केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है भारत में। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो जयपुर है ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। अगला है, भारत में संविधान को बनने में कितना भारत के संविधान को बनाने में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन भी लड़ा था, ये बिहार से संबंधित है। अगला है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? दोस्तों जो ताले के लिए, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों जो भारतीय राज्य है उसमें आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? ये दोस्तों 8 ग्रह। अगला है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों आपके वाराणसी में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो आपके सिख धर्म के लोग हैं वो बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की ये कृति है शाहनामा। अगली है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। दोस्तों ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है पुलिस और फॉरेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो ये वीडियो है ये पुलिस और फॉरेस्ट के लिए ही मैक्सिमम बनाई है, उनके ये क्वेश्चन आएंगे। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो दोस्तों जो गोवा में जो पुर्तगाली है वो 1900 दोस्तों ये गलत है दोस्तों, इसका 1961 था दोस्तों, ये इसमें शायद गलती से 64 हो गया है, ये 1961 में पुर्तगालियों को जो है गोवा से निकाला गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अभी सुर्खियों में रहा है कुछ समय पहले। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक
से निकलती है? तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? ये दोस्तों बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका का को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दोस्तों जो 1776 में अमेरिका को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? दोस्तों ये छोटी पत्तियां पाई जाती है राजस्थान में। अगला है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से? अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो ये दोस्तों अक्षांश जो रेखा है ये विषुवत रेखा के समानांतर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1757 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग में से ग्वालियर में विद्रोह किया था? दोस्तों ये क्या था, इन्हें तात्या टोपे के सहयोग से। अगला है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों ये आपके म्यांमार के रंगून में हुई थी, इनको वहाँ पे कैद किया था, इनकी रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों जो चोल प्रशासन है उसकी जो मुख्य विशेषता वो थी ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। अगला है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था? दोस्तों ये शेरशाह सूरी थे, इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? दोस्तों ये आपके लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थित था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पूर्व में है ये, भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। जो क्वेश्चन आएगा तो वो भी अरुणाचल प्रदेश ही आएगा। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? दोस्तों जो चीन है ये असम के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों ये है असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये थे दोस्तों दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे चुके हैं? दोस्तों ये थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये असम के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ए वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? दोस्तों लिखा है प्रदीप ने, आपने सुना होगा ए मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट है,
वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो वायु का दबाव है वो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है ये दोस्तों बैरोमीटर। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं? तो दोस्तों अमीबा में एक शैल होता है। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो दोस्तों जो नागालैंड भारत का वो 1963 में विधिवत राज्य बना था, इसको राज्य की जो स्थापना थी 1963 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम है मालेगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो करते हैं राज्य का राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त में पाई जाती है? दोस्तों ये फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? सभी जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे.जे. थॉम्सन ने। असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे दोस्तों आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी भारतीय राष्ट्रगान रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। अगला है, हीटर के तार किस चीज़ से बना होता है? तो दोस्तों ये है नाइक्रोम से बना होता है हीटर का तार। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों पातालपुरी में। अगला क्वेश्चन है, धोनी की चाल अधिकतम किस में होती है? ये थे दोस्तों स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों इसे टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों ये है सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे YV चौहान। दोस्तों ये थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है, यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसको दोस्तों लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों, जितने ज़्यादा लाइक मिलेगी मैं इसे अगला पार्ट भी लेके आऊँगा दोस्तों। अगला है, भारत का मानचेस्टर कहाँ है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो मानचेस्टर है उसको अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? दोस्तों ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये आज की वीडियो थी हमारी, उसको नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए यदि आपके कोई भी क्वेरीज है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका मैसेज रिप्लाई करके बता सकता हूँ। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और खासकर गर्ल्स के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, यदि कोई गर्ल्स ग्रुप में जुड़ना चाहती है तो उसे वो मैसेज करके बताएं कि मुझे गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उसको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों इस नंबर पर कॉल मत करना क्योंकि दोस्तों मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा। जो भी आपने पूछना होगा दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं मुझे टाइम मिलने पर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे हिम गुरु जी इंस्टाग्राम को सर्च कीजिए और वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहता हूँ ताकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।